मछली तो मिला नहीं, तो हम यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है, खाएंगे क्या, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गाइस चलो, इसलिए देखो जोर शोर से पैकिंग शुरू हो चुका है, हम लोग यहाँ से पैक करके निकल जाएंगे। लेकिन निकलने से पहले एक इंटरेस्टिंग काम करना बाकी है, नहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम बाकी है। पैकिंग करने के बाद आप लोग को बताते हैं, चलते हो वाला करते दिखाते हैं क्या इंटरेस्टिंग काम है। तुमको नहीं करना है, ठीक है, तुम खड़े रहना कैमरा लेके, ठीक है। हाँ चलो, मिल गया वो बंदा, सारा वहाँ पे जितना भी सामान था सारा लेके आ गए, कोई टेंशन नहीं, अभी आराम से हम सब मिल के जा सकते हैं वो इंटरेस्टिंग काम करने के लिए। वो काम नहीं, इंटरेस्टिंग आराम करने के लिए, मजा आएगा, रिलैक्स होगा, पूरा फुल रिलैक्स होने वाला है। 3 दिन कैंपिंग हुआ, फिर फाइनल रिलैक्स करके चले जाएंगे। ये जो जितना टायर्डनेस सारा निकलने वाला है, अभी दिखा दो कैसे पैक हुआ है। पूरा सारा सामान आ गया, तो चलो गाइस वो इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ से जाने वाले स्ट्रेट और एक जगह जहाँ पे लोकेशन गौतम भाई बोल रहे कि बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, जबरदस्त मतलब वो उड़ीसा का वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही सुंदर जगह है वो। मतलब पत्थर का ऐसे दीवार काइंड ऑफ इस साइड है, और उसके बीच से पूरा पानी आ रहा है, मतलब अलग ही लेवल का नजारा होने वाला है, देखा नहीं हो पहले कभी, तो चलो देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी दिमाग में एक ही चीज आ रहा है, चलो वो काम करने चलते हैं, इंटरेस्टिंग काम। चलो चलो सब चलो, ए गाड़ी बंद करो। सो गाइज हम लोग जो इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, बहुत से इनको समझ में आएगा, बोल रहे इतना तो सिंपल काम करने जा रहे हो, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो। इसलिए बोल रहे कि यहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा अभी फील हो रहा है, सारा सामान पैक करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा ठंडा पानी में नहाएंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन वो जो यहाँ पे नहीं नहाएंगे, आगे वहाँ पे बढ़िया पूरा पानी का बहाव बहुत तेज़ है, मजा आएगा, मतलब वाटरफॉल काइंड ऑफ फील आने वाला है वहाँ पे नहाने से। नहीं लाला को छोड़ेंगे नहीं, रस्सी बांध के वहाँ पर डालेंगे। बह बह गया तो अरे वो पहले दिन तो बह जा रहा था जब ये किए थे, लाला को भी लेके जा रहा था। देखो गौतम भाई एकदम पूरा एकदम पूरा काले होने के डर से, क्या बोलते है ना, नया नई दुल्हन, नई दुल्हन मुंह दिखाई का रसम थोड़ा कर लेते हैं। ये गाइस देखिए हम लोग नहाने वाले हैं यहाँ पे, मजा आएगा क्यों, कहाँ बह के जाओगे रे, मजा आएगा। देखो वहां से बहना शुरू करोगे ऐसे पूरा यहाँ तक आओगे। ए गौतम भाई को क्या मिल गया, हमारे उधर चलो फिर समझ में आएगा कितना बड़ा बड़ा है ये वाला स्विमिंग पूल, इसे बोलते हैं। लाला देखो वहाँ पे गिरा था, वो जो लकड़ी दिया हुआ है ना वहाँ पे, हाँ, और वहाँ पे नहाने मजा भी आएगा। ये देखो गाइस यहाँ पे आके ऐसे ना आ रहा है, एक काम करना हेरा फेरी जैसा, वो बाल्टी लेके दे उसको। गौतम भाई क्या पे एडवेंचर हो रहा है, जबरदस्त एडवेंचर। गौतम भाई को तैरना नहीं आता, पानी से बहुत डर है। अबे ये वो खुद गिर जा रहा है, सो गाइज नहा धो के फ्रेश होके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग को चलना चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में इतना लोड, हम अगर सब बैठ जाएंगे, सामने एक बहुत बड़ा एक चढ़ाई है, अगर याद है आप लोगों का आते वक्त,
वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग चल के जाएंगे ट्रेकिंग करके और टिंकू गाड़ी लेके आगे चला जाएगा। चलो आ जाओ। और देखो गाइस यहाँ पे क्या है, ये वाला खाने लायक तो लग ही नहीं रहा। चलो हमारे एक्सपीरियंस ड्राइवर ये ट्रैकिंग करने वाले हैं गाड़ी के साथ चढ़ाई। बारिश के टाइम आना पड़ेगा। नहीं वो कौन सा फ्रूट है, देखिए अभी जंगल में भी कौन से फ्रूट है। हाँ लग रहा खा सकते हैं। नहीं अभी देखा वो स्मेल से तो पता नहीं चला, पीछे वाला का पता नहीं। मिसिंदा मतलब भाई मजा आ रहा है, मजा भी सजा में बदल रहा है। भूख लगने लगेगी, भूख और ऊपर पहुंचते पहुंचते प्यास भी लगने लगेगा। गाइस वहाँ पे ऊपर देखिए कुछ रेड कलर का बेरीज दिख रहा है और यहाँ पे नीचे भी गिरा हुआ है। वहाँ पे है ना वो पेड़, पेड़ वहाँ पे गिरा है। मुंह पे मत लगा, छू कड़वा है, ठीक है ये भी चाहिए कड़वा। ये बंदर लोग बहुत खाते हैं इसको, मैं देखा हुआ पहले ये वाला, शायद खाते हैं। खा के देख लाला मत है कि नहीं। टेस्ट नहीं है कुछ। चलो भाई आपको आपका बुरा हाल देख के थोड़ा पे आम का पेड़ होता ना अच्छा, तो नहीं आम का पेड़ तो होगा अंदर कहीं ना कहीं पे। चलो। और वो रहा गाड़ी, देख के गौतम भाई को बहुत खुश हुआ, सुकून मिला, सुकून मिला भाई। गौतम भाई को हम लोग गाड़ी में बिठा दिए हैं। दे दो इतना होगा पानी चाहिए सच में। इतना 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 हाँ बच जाऊंगा मैं इतने। चल 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 पानी दे दो। चलो हम लोग चल के चल रहे और क्या। ये कोतिला हुआ है इसमें कहाँ पे, बहुत अच्छा है। क्या क्या लेके चलते हैं, बीन्स से क्या होगा ये भी खाते हैं जला के। जला के ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे थोड़ा कड़वा टाइप का लगेगा लेकिन जला के पूरा फ्रेश। अब हटो ऐसे तोड़े इसको, इसके अंदर नट रहता है। गुड ये नट गुड मिल रहा, ये देखो ये पूरा पीनट की तरह रखता है। खा के दिखाओ बादाम की तरह। रुको तो बचपन में बहुत खाता था क्योंकि हमारे स्कूल के पास एक था। अच्छा टेस्ट है। लाला कितने का टकल लिया देखा, बहुत है। ये जो पेड़ है ना ये पेड़ का है और जो जेली बनता है इससे भी बनता है, लेकिन पता नहीं भाई बचपन में ही खाया तो उसके बाद कितना कोशिश किया नहीं हो पाया, नहीं मिला। देखिए यहाँ पे क्या मिला है, कुसुम, लेकिन ये कच्चा वाला है शायद। खट्टा लेकिन कच्चा वाला है थोड़ा, ये हो गया है। ये देखो गाइस ये पेड़ है, कच्चा है ना, नहीं क्या वो कच्चा वाला खट्टा है। ये लेके चलते गौतम भाई के लिए, ठीक है थोड़ा बहुत तो समझ में तो आएगा क्या चीज की बात कर रहा था हम लोग। नहीं जो बोल रहा था ना, जो कुसुम बोल रहा था खट्टा खट्टा ऑरेंज कलर, ये हाँ ये थोड़ा कच्चा वाला है उतना ये नहीं है। ये खा सकते हैं हाँ। ऊपर ये देखो खाके ऊपर चला जाओगे, ये जो ये इस पेड़ का है ये मैं खाया हूँ बलांगीर पे। बाइट करो फिर मस्त लगता है। हाँ खट्टा रहता है, खट्टा रहता है। हाँ हाँ बड़ा सा हाँ ये जब ये पका नहीं आता हाँ वो इस ये वाला बस खा सकते हैं ना, ये बड़ा सा ये है। हाँ हाँ ये खाओ भाई शायद वो ही पता नहीं वो वीडियो में देखा हो क्या बोलते हैं ये पकने से अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना अभी अभी फिलहाल थोड़ा मुंह में खट्टापन आ रहा है, पानी का कमी थोड़ा
गाइस हालत खराब हो रहा है यार, ट्रेकिंग बहुत दिन हुआ नहीं किया है और इतने में फट रहा है। फटने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई धूप गर्मी और ऊपर से बॉडी में पानी का कमी। और एक रीज़न है। और क्या है? बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया। कहाँ बंद किया है? बंद पर हम लोग निकल चुके हैं भाई। पूरा ये गांव से बस्ती से होके जाएंगे, सबसे पहला काम रहेगा पानी ढूंढना, क्योंकि गौतम भाई को लगा है बड़ी जोरों की प्यास। और गौतम भाई आम 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 हाँ हाँ ये दुख 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 छोड़ा छोड़ा रुक 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 पता नहीं है जो भी हो देखते हैं ना खा लेंगे। ये देखो गाइस पक्का है, पक्का है, ये देखो पक्का नहीं है, नीचे देखो उसका। नीचे देखते नीचे पका वाला होगा शायद, कच्चा है, कच्चा है, सारा कच्चा है। साइज देख रहे हो गाइस आम का, चुटकू चुटकू सा, पका वाला एक भी नहीं है क्या? हाँ ये मिला है, ये पका वाला है गाइस, पका वाला है रे, हाँ मेरे को मिला पका वाला। ये एक पका वाला, बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पे, देखो ये गुच्छा आम का। ओ भाई छोटा छोटा आम, ये ना पकने से बहुत मीठा होता है ये छोटा छोटा आम, ये नहीं मीठा है या खट्टा? खट्टा है, सॉरी गाइस गलत बोल दिया था, मीठा नहीं है खट्टा है। गौतम भाई को देते हैं आम। या पका है? हाँ पका है। नीचे गिरा था क्या? हाँ नीचे गिरा हुआ था, मतलब ये नीचे नीचे रह रहे के पक गया है धूप में? नहीं अभी तो पकने का टाइम आ गया है ना, धोएंगे थोड़ा या ऐसे ही खा लेंगे? ऐसे ही धोने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही खाने वाला हूँ। खा लेते हैं। खट्टा है कि मीठा है? खट्टा है, खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन, मतलब खट्टा है, मेरे मुँह से तो दिख रहा है बहुत खट्टा है, मैं नहीं कहूँगा मैं नहीं कहूँगा। गैस पानी यहाँ पे ट्यूबवेल दिख रहा है, पानी होगा शायद लेकिन जो भी बोलो यहाँ पे जो गांव का भाई भी वो मस्त लग रहा है, नहीं बढ़िया आ रहा है, मस्त हवा है, चलो पानी भी होना चाहिए। कहाँ है मुँह, कहाँ है इसका? तो है ना, मैं ढूंढ रहा था इसका मुंह किधर है, सारा चारों ओर पाइप लगा हुआ है। क्या वो आयरन भरती है इस पानी में? अरे छोड़ो 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 छोड़ो, बहुत ज्यादा है गाइस। यहाँ पे बस अपना गला थोड़ा गीला कर लेना, इसमें नहीं होगा ये पानी। गौतम भाई ये लो आयरन बहुत ज़्यादा है, इस बार आयोडीन नहीं, नहीं पीना मुझे भी। गौतम भाई क्या बोल रहे हैं? लो हाँ टैबलेट डाल दे, मैं मरूंगा मरूंगा लेकिन पीछे मरूंगा, पीछे पड़ा है देखो बड़ा बड़ा है ना? हाँ बड़ा है वो वाला, दिख रहे हो? पका रुक रुक रुक, अच्छे से पका है, अच्छे से, हाँ अच्छे से पका है, बहुत अच्छे से पका है। चल भाग 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 भाग, लाला लाला चला ना, बैठ भाई। ये पका है सही से नहीं? क्या है ये, इसमें क्या है? वो थोड़ा डिफेक्ट है और क्या, तो मुझे फिर कुछ दे दीजिए सामने, छोटा मोटा है क्या? छोटा मोटा कुछ भी कुछ नहीं है, देख कितना भारी है, देख ये भारी है, इससे तो मेरे स्कूल का बैग भारी था। मस्त मीठा है, बहुत ज्यादा, ओह बढ़िया मीठा है गौतम भाई, स्मेल से हाँ मुझे भी दो, लाला को मत दो, कलर भी पूरा मीठा है, कलर भी मीठा है पूरा एकदम, क्या लग रहा है पूरा एकदम मस्त, कलर भी पूरा कलरफुल,
पूरा पका हुआ है, रेड कलर का। इसको शायद सांप सुन के गए हैं। ये रोड ना, हाँ ये वाला। खाके बताओ, वेट कर रहे हैं। वो खाके बताऊंगा। हाँ गौतम भाई बोले स्मेल भी बढ़िया, मीठा मीठा आ रहा है। बोले अच्छा ठीक है चलो खाओ, फिर पता चलेगा क्या ही मीठा है। तो चलो गाइस हम लोग और एक रोड ले लिया वहाँ से, मिट्टी का रोड। तो गाइस यहाँ पे हम में से तो किसी को पता नहीं रास्ते के बारे में, गौतम भाई के भरोसे आए हैं। गौतम भाई खुद भी खुद को मतलब नहीं पता कि कहाँ पे है, इसको पूछे उसको पूछे, काम पकड़ रहे हैं, दिमाग भी काम नहीं कर रहे। तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई। देखो गौतम भाई पहुंचेंगे ना हम लोग जहाँ जा रहे हैं, पहुंचेंगे भाई, पहुंचेंगे भाई, कहीं तक कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। देखो मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ, भाई को भी पूछेंगे गौतम भाई। ठीक है, छोटा भाई तेरा बात डाल नहीं सकता, डाल नहीं सकता, मैं पूछ लूंगा। वो सा पड़े भीमकुंड रास्ता को पड़े कितने बड़ा होचे? अरे ओ 5-7 किलोमीटर। तुझे को खाईवा नहीं जाऊ छ ना? कोनो कोन नहीं जाऊ छ? परिवार। अब परिवार ताला सजो छ, ताला सजो काकुड़ी। तो फाइनली मिल गया पीने के लिए कुछ, गौतम भाई को भी मिला, लेकिन जी दबो तुम भी कुछ ना, मैं नौ चुकी पैसा देगी लग रहा है। देख के तो लग रहा है मस्त मीठा होगा, नहीं नीचे चल के खाते है ना। अच्छा है ना, डोर बंद कर दो, पकड़ लाला। सोने का कौन इंतजार करेगा? ये पूरा देसी आम है भाई, ये मतलब पेड़ पे पका है। खुशबू भी मस्त है, कितना रेड है। इस सीजन का पहला आम, पहला आम इस सीजन का। ये नेचुरली पका हुआ आम, सीजन का पहला आम है ये मेरा। मेरा भी अभी तक आम नहीं खाया, लेकिन एक चीज है टिंकू, ऐसा लग रहा है ना पूरा गांव का फील आ रहा है ना पूरा। ये पूरा गांव का फील है, गांव है हमारे उस तरफ गांव में, और ये वो मतलब वो गांव वाला फील नहीं आता है नहीं। यहाँ पे जैसे देखो आम का पेड़ है, हल्का फुल्का हवा हो रहा है, पूरा शांत है, बकरी बैठे हुआ है, बैठे हुआ है, लेके चले ये चीज ना बहुत मतलब क्या ही बोले, 4 लाख दिया था ना वो। ट्रैफिक जाम हुआ इनके वजह से अभी। यहाँ से किधर? राइट से कोयला पहुंचे कुआरजी, वो आगो छक जाएगी राइट कोयला मौसा कुआरजी मो ना चलो ये भी बढ़िया मस्त गाँव वाला ब्लॉग बन रहा है, इंटरेस्टिंग ब्लॉग। हम लोग वहाँ पे खड़े होके 2 किलो खाए खरीद के, नहीं और ऐसे पेड़ से गिरा इधर उधर होके और 1 किलो खा लिए। हाँ मस्त लगा। अरे देखो गाइस घर यहाँ का ये सारा टाइल्स है, किसका घर है? नवीन पटना का है ये वाला भी। नहीं नहीं मोदी का और गाइस हम लोग फाइनली अच्छा रोड पे आ गए, और ये रोड भी बड़ा जबरदस्त है,